स्कूल जाने के लिए। मैं तो स्कूल को बहुत मिस कर रहा था, आप भी मिस कर रहे थे ना। चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स जो स्कूल जाने से पहले हमें रिमाइंड करनी चाहिए, जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है प्रिपरेशन। किस चीज की प्रिपरेशन? अपनी और अपने साथ जो हम लोग स्कूल लेके जाते हैं उन चीजों की, जैसे कि बैग, स्टेशनरी, लंच बैग, वाटर बॉटल, बुक्स, कॉपीज, अपने नेल्स कट करने हैं और अपने हेयर कट करवाने। मेरा हेयर कट अभी होने वाला है तो डोंट वरी, हो जाएगा। इसके अलावा है सबसे जरूरी मास्क और सैनिटाइजर। आपको पता है ना कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ और हमें केयरफुल रहना है। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। स्कूल जाने के बाद मैम सबसे पहले क्या पूछेंगी? होमवर्क। तो हमें स्कूल जाने से पहले होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर हम लोग होमवर्क कंप्लीट करके जाएंगे तो फिर अच्छी अच्छी फीलिंग आएंगी। नेक्स्ट है लेबल। हमें अपनी चीज़ों को लेबल करके रखना है, जैसे मैंने अपनी चीज़ें लेबल की हुई हैं, मीन्स मेरी कॉपीज और बुक्स वगैरह। नेक्स्ट है क्लीन योर स्टडी टेबल। हमें अपनी स्टडी टेबल साफ रखनी है, न्यू टाइम टेबल बनाना है, कैलेंडर को पेस्ट करना है ताकि हम लोग अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम कर सकें। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे लिए नहीं, हमारे मम्मा पापा के लिए है। वो ये है कि ड्राइवर अंकल का फ़ोन नंबर नोट कर लेना है और हमें गाड़ी का नंबर याद करना है। हमें अपने रूट्स को और टाइम को याद रखना है ताकि हम लोग टाइम से स्कूल पहुंच सकें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें डेली रूटीन को रीसेट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लास की टाइम अलग होती थी स्कूल से। हम लोग मर्जी से सोते थे और मर्जी से उठते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा, टाइम से स्कूल जाना है ना। स्कूल के हिसाब से सोने और उठने की रूटीन बनानी है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से अपने अलार्म को सेट करना मत भूलना। तो नेक्स्ट चीज ये है कि सब लोग नर्वस है कि न्यू टीचर होंगे, न्यू क्लासमेट्स होंगे, कैसे फ्रेंड्स बनेंगे। तो डोंट वरी, पहले भी फ्रेंड्स बनाए थे ना, अब फिर बन जाएंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट लेके जा सकते ताकि फ्रेंडशिप करने में आसानी रहे। और हाँ, आपने अभी टिफिन आइडिया सोच के रखने हैं और लिस्ट बनाकर मम्मा को देने हैं ताकि रोज खाने के लिए टिफिन बॉक्स में मजे मजे की चीजें मिले। और आपको एक्साइटेड रहना है, हैप्पी रहना है, एंजॉय करना है और अच्छे से स्टडी करना है ताकि अच्छे से मार्क्स मिल सकें। स्कूल में पहले भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, एक्टिविटीज करते थे, काफी सारे शोज होते थे, एंजॉय किया था ना हमने, इस बार भी करेंगे। हैप्पी हैप्पी स्कूल जाना, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब लोगों के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए तो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन आपको पता है ना, पेरेंट्स को और विजिटर्स को बिना वैक्सीन के स्कूल में एंट्री होना अलाउड नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लेनी है। आई होप आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी और मज़ा भी आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोग मज़े मज़े की वीडियोस देखते रहें। हम लोग फन वीडियोस बनाते हैं, गुड हैबिट्स की वीडियो बनाते हैं और फायर लेस कुकिंग की वीडियोस भी बनाते हैं। तो हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।